क्विजेस YouTube की पढ़ाई के साथ साथ अब होगी जी स्क्वायर क्विजेस एवरी डे 7:30 PM ऑन Unacademy लर्निंग ऐप दैट टू फ्री. यस गाइज यू हर्ड मी करेक्ट, एब्सोल्युटली फ्री इन स्पेशल क्लासेस. बस आपको लिंक को ज्वाइन करना है जो दिया है विद द बेस्ट क्वालिटी एंड कंटेंट एंड द बेस्ट एजुकेटर्स. राइट गाइज, सो लेट्स क्रैक इट. Good morning, kids. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Welcome to the class of G Square. सबसे पहले बताओ बफरिंग और लैगिंग तो नहीं है बच्चों? क्योंकि क्या ना हमारा डेस्कटॉप कुछ बता रहा है. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Welcome to this session of G Square on Unacademy Topper Channel. Today we'll be covering principles of inheritance and variation lecture number 3. बच्चा पार्टी, क्रोमोसोमल थ्योरी, रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज. आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बच्चा पार्टी. सो बच्चा पार्टी सबसे पहले बताओ सेशन स्मूथ चल रहा है? सेशन इज स्मूथ, जल्दी से बता दो मैम को चैट बॉक्स में सेशन बिल्कुल स्मूथ चल रहा है. यस, ऑल क्लियर, नाइस, बिल्कुल. एक स्माइल दे दो यार, इतनी कंजूसी क्यों करते हो मुस्कुराने में? यस, इतनी कंजूसी करके कहाँ जाओगे पहले ये बताओ. यस इतनी कंजूसी करके बच्चा पार्टी कहाँ जाएगी? स्माइल तो बनती है, यू नो आफ्टरनून का टाइम है. मुझे लगता है नाश्ता पानी सब बच्चे करके आए होंगे, ठीक है? नाश्ता एंड पानी एब्सोल्युटली. तो नाश्ता पानी के बाद आज जरा सेशन कंप्लीट कर लेते हैं. आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. तो आर यू ऑल सेट? आज जो ये रिकॉम्बिनेशन लिंकेज के जितने भी सवाल है जिसमें आप अक्सर फंस जाते हैं, आज उनको हम बिल्कुल क्या बनाने वाले हैं? गाजर का हलवा बनाने वाले हैं. जैसे कि आपको पता है जेनेटिक्स में हम हर एक सेशन में थियरी तो बहुत ईजी है, उसके अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन टफ होता है, जो हम बेसिकली हर एक सेशन में कवर कर रहे हैं. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हर एक सेशन में वी कम अप विद न्यू फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स. जैसे प्रोबेबिलिटी निकालना सीखना, गैमीट्स बनाना सीखना, फिर टाइप ऑफ गैमीट्स बनाना, ये सब चीजें हम कवर करते जा रहे हैं. डायहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड क्रॉसेस सब करते जा रहे हैं. तो आज हम इस टॉपिक के भी सारे न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं. सो आर यू ऑल सेट? यस बच्चा पार्टी, आर यू ऑल सेट? आर यू ऑल सेट? यस, एक नया एक्शन मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ऐसा कुछ कर दे. यस, वी आर ऑल सेट. यस मैम, बिल्कुल. तो आ जाओ बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो मैम का छोटा सा इंट्रो है, अब तो ले लो. सुबह वाले सेशन में तो तुमने नजर लगा दी थी मेरे इंट्रो पे, बाय गॉड. यस, नजर लगा दी थी तुमने मेरे इंट्रो पे. तो अब देख लो, मैम ने बीएससी रामजस कॉलेज से किया है, मास्टर्स मैम ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है, एंड मोर देन 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. दीज आर द जेम्स दैट आई हैव इन माय इंट्रोडक्शन. बट आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस ईयर, यहाँ पे मैं डैश लगा रही हूँ, और किस किस बच्चे का यहाँ पे नाम आएगा वो तुम मुझे बताओगे. कि यू नो इफ यू फील लाइक यस आई एम गोइंग टू गिव रिजल्ट टू जी स्क्वायर, सो यू कैन राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स, ठीक है? यस, थैंक यू. एक बच्चा मुझे लिख रहा है मैम आई हेट यू. आई हेट यू लाइक आई लव यू, ये वाला हेट यू तो चलता है, ठीक है? कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं मैम आई हेट यू, फिर हम कहते हैं अरे अरे मेरे बच्चों आई हेट यू लाइक आई लव यू, ठीक है? तो जी स्क्वायर से तुम नफरत तो कर नहीं पाओगे, कर पाओगे तो सिर्फ और सिर्फ प्यार, है ना बच्चा पार्टी? यस. सो बच्चों जूही मैम ने स्लाइड्स बनाई है, तो 1 लाइक फॉर जूही मैम. देखो जूही मैम के काम को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज शी इज आवर फोर्स, यू नो शी इज आवर ग्राउंड फोर्स वर्किंग डे एंड नाइट फॉर अस. एंड Unacademy नी टॉपर चैनल को सभी बच्चा पार्टी को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स लोगों से सब्सक्राइब कराना, अपने मम्मी के फोन, पापा के फोन, भैया के फोन, सबसे सब्सक्राइब कराना है, ठीक है? आए हाय लव यू बोलोगे, इतने लव यू बोलोगे तो बेटा कैसे काम चलेगा? पीडीएफ आपको मिल जाएगी. आजकल पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही है, ये मेरे पास शिकायत आ चुकी है, इस पर आज ही कार्रवाई होगी, आज ही इंसाफ मिलेगा मेरे बच्चों को, ठीक है? Unacademy नी टॉपर चैनल है बच्चों, इसका हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक जरूर तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लो. हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है? डेली मैं शेयर करती हूँ हैंड रिटन नोट्स, ठीक है? यहाँ पे आपको सारे इवेंट्स मिल जाएंगे, हर दिन का जो स्केड्यूल होता है वो भी आपको मिल जाएगा, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? एंड बच्चों ये अपन, ये कौन है आपकी जी स्क्वायर, ये आपके जी जी सर, अब बहुत जल्दी यहाँ पे वीटी सर भी आने वाले हैं. तो हमारे एक बैच शुरू हो रहा है, बैच का मैंने नाम भी डिसाइड कर लिया है, इट इज कॉल्ड एनसीईआरटी ड्रॉपर टू टॉपर कोर्स, एनसीईआरटी ड्रॉपर टू टॉपर. तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने डिसाइड कर लिया, दिस वुड बी द नेम ऑफ माई बैच, एनसीईआरटी ड्रॉपर टू टॉपर.
इसमें पहला चैप्टर मैम लिविंग वर्ल्ड करने वाली है, फिर चैप्टर नंबर टू आज ही इसका पूरा प्लानिंग और पूरा प्रमोशन और लॉन्च शुरू हो जाएगा बच्चों। तो अगर आपने मैम के पर्सनलाइज्ड बैच में पढ़ना है, मैम से और बातें करनी है, तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर इंस्टॉल पे जाना होगा बच्चा पार्टी, उसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा। नीट यूजी आपकी कैटेगरी है, इसमें धोखा ना खाए, आप नीट यूजी के छात्र हैं, ठीक है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे सारे छात्रगण, फिर उसके बाद आपसे कुछ पैसे मांगे जाएंगे, तो आपको पहले ये देखना है कि आपको सब्सक्रिप्शन कितने महीनों का लेना है, ठीक है। तो अगर आप 1 month चाहते हैं, 3, 6, 12 या 24, तो मैं कहती हूँ बच्चों को ये वाला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, ये वाला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये वाला लेते हैं तो आप जीए नीट रेफरल कोड भी लगा सकते हैं बच्चों, आपको 10% छूट मिलेगी जरूर तुम्हें, ठीक है। 12 मंथ्स का कोड 34,650 का है, 24 मंथ्स का 6,400 का है, तो 6 मंथ्स का मुझे लगता है और सस्ता पड़ेगा, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिलेंगे। फिर कॉल कर रहे हैं, जीने नहीं देते, पढ़ाने नहीं देते, करे तो करे क्या। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है बच्चों ये हमारा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल मेंटर्स मिलते हैं, जब तुम रास्तों से भटक जाते हो तो तुम्हारी पिटाई कर रहे, तुम्हें रास्ते पे लेके आते हैं, ठीक है। बिल्कुल यार, एक बार कोड लिख दो यार, मैं ही बोलती रहूं, तुम लोग कोड नहीं लिख सकते चैट बॉक्स में कि यस जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है यू कैन यूज जीए नीट कोड, क्यों लिखोगे, भलाई तो करोगे नहीं किसी की। यस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बच्चों, ठीक है, 12 मंथ्स की या 24 मंथ्स की, तो जीए नीट आप रेफरल कोड लगा सकते हैं। 90,000 का भाई प्राइस है देखो, बट 2 साल का है, ये भी देखना है। 12 मंथ्स का 58,500 है, और जो बच्चे ऐसे कहते हैं ना 90,000 सुनिए, हाँ इतना महंगा, हाँ मेरी चचा की दुकान की मासी ने इतने पैसे लगाए थे, यस, तो बेटा इतना इतना नहीं, हाँ करना नहीं है, ठीक है। यस बिल्कुल, 90,000 फॉर 2 years है, ट्रस्ट मी, लोग एक एक साल की फीस 2-2 lakh देते हैं, ठीक है, सो इट्स 90,000 फॉर 2 years, जैसे हाँ करके चचा की मौसी के बेटे ने ये ऐसे किया था, तो ये सारी स्टोरीज मुझे मत सुनाना, ठीक है बच्चों। बिल्कुल, आ जाओ बेटा, आ जाओ, अब पढ़ाई कर लेते हैं, चचा की मौसी की बेटी की बहन के भाई की, चलो आ जाओ, बहुत लंबा हो गया ये रिश्ता, ठीक है, सोच नहीं रिश्ता वही। तो बच्चों आज हमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस करनी है। सबसे पहली चीज मैंने आपको पहले लेक्चर पे भी बताया था, मेंडल सर आपको बता के चले गए बट प्रूव नहीं हुआ था, ठीक है। मेंडल सर आपको जीन का कॉन्सेप्ट बता गए बट उसे प्रूव नहीं किया था, ठीक है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी बट हमारे पास सबूत नहीं थे, तो उन सबूतों का आधार निकालने वाले सबसे पहले आपके सटन एंड बोवरी थे। कौन थे बच्चों? सटन एंड बोवरी, 1902। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ अलग नहीं किया, बात को समझो, इन्होंने कुछ अलग नहीं किया, इन्होंने मेंडल की ही चीजों को प्रूव किया यूजिंग क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है। यस बच्चों, देखो यहाँ पे समझने की बात यह है कि इन्होंने कुछ नायाब काम नहीं किया, इन्होंने वही चीज प्रूव की जो मेंडल 7 साल में करके गया, बट इनका जो आधार था सबूतों का वो कुछ और नहीं बल्कि आपके क्रोमोजोम थे। क्या थे बच्चों? आपके क्रोमोजोम। तो इन्होंने भी यही कहा कि गैमेट बनते हैं, मेंडल ने भी गैमेट्स बनाए थे यार, इन्होंने कहा हर एक गैमेट पे 1 copy ऑफ एलील होती है, ये भी सही बात है। सो बेसिकली दे हैव वर्क द सेम थिंग, इट्स जस्ट वहां पे वो इंफॉर्मेशन दे के चले गए, इन्होंने सबूतों के आधार पे प्रूव कर दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने दिल दिया बट दूसरे वाले ने तुम्हारा दिल लिया या नहीं लिया ये कौन प्रूव करेगा, तुमने तो थियरी बात मार दी कि वो मेरी बंदी है, बट भाई प्रूफ भी तो मांगती है जनता, है ना। यस, तो द सेम थिंग हैज हैपेंड हियर इन द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर सबसे पहली चीज हम यहाँ पे देखें बच्चों, सो जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकेरियोट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल क्रोमोसोम, सही बात है या नहीं? बिल्कुल सही बात है, हमारे पास भी 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है बच्चा पार्टी? हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। इन 46 क्रोमोसोम में वी हैव 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और जब हम गैमेट बनाते हैं तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जुदा हो जाते हैं। क्या होता है? जुदा हो के भी तो मुझ में कहीं बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे 23 जाएंगे, यहाँ पे 23 जाएंगे, ठीक है। नाउ हाउ दे एक्चुअली प्रूव, तो चलो और डायग्राम बनाए, क्या कहते हैं बच्चों, लेट्स मेक वन डायग्राम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर, ठीक है। क्या हो क्या रहा है क्रोमोसोमल थियरी में, कैसे गैमेट बन रहा है, मैंने पहले भी बताया, फिर से आज समझाऊंगी तुम्हें। सो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा एक सेल है, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, तो सब बच्चे देखेंगे कोशिका, ठीक है। बिल्कुल,
सो ये कोशिका है बच्चों, ठीक है। ओह अंजलि नॉटी हो रही है, अंजलि कह रही है मैम किसका फोन आ रहा है। बेटा अपन को किसी का फोन नहीं आता, मैं बता दू, नॉटी होने की जरूरत नहीं है। अपन को फोन किसके आएंगे, हाँ पिंकू प्लम्बर के, आज प्लम्बर का काम करना है, ठीक है। या आएंगे टिंकू पंखे वाले के, पंखा लगा के जाना है। या आएगा अर्जुन इन्वर्टर वाले का, इन्वर्टर लगा के जाना है। बस यही फोन आते हैं मैम को, और कोई फोन नहीं आते बेटा। छोड़ दो ये सब, छोड़ दो बेटा छोड़ दो, आ जाओ कोशिका पे चलते हैं। तो ये हमारी कोशिका है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कुछ डिफरेंट कलर से चीजें बनाने वाली हूँ, और बच्चे पता लगाएंगे कि आखिर मैम कहना क्या चाहती है इस रंगारंग चित्र के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बनाई हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी मुझे बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैम ने कितने बनाए हैं। यस आओ बेटा जल्दी बताओ, आ जाओ जल्दी बताओ, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैम ने कितने बनाए हैं बोर्ड पे, जल्दी से सब बच्चा पार्टी चैट बॉक्स में लिखेंगे। यस आ जाओ बेटा, यस आ जाओ आ जाओ, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे। नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली प्रूव क्रोमोसोमल थ्योरी, तो यू नीड टू मेक दीज कलर्स, ऐसे नोट्स बनने चाहिए। आठ बनाए क्या बात है, ये होते हैं जबरदस्त बच्चे, जबरा बच्चे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो अभी मैम ने यहाँ पे बनाए हैं रंगारंग चित्र में, वो कितने बनाए हैं, आठ बनाए हैं, ठीक है। अगर वही मैं आपसे पूछू कि होमोलोगस क्रोमोसोम कितने हैं, तो ये इसका आंसर क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम कितने बच्चों, फोर पेयर्स। सही बात है, कुछ गलत तो नहीं लिखा है मैम ने। तो यहाँ पे आठ क्रोमोसोम है, फोर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यानी कि 2n की वैल्यू क्या है, 2n की वैल्यू क्या है, आठ। क्या बच्चा 2n की वैल्यू है आठ, ठीक है। वहीं पे n की वैल्यू क्या होती है इसकी, हाफ, यानी कि 8/2 दैट इज 4, ठीक है। तो अब जब इसके गैमीट बनेंगे, तो लेट्स मेक द गैमीट्स बच्चों, चलो इसके गैमीट्स भी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम दो गैमीट्स बना रहे हैं, ठीक है, लेट्स मेक टू गैमीट्स। तो एक गैमीट है ये रहा और एक गैमीट है ये रहा, ठीक है। तो होमोलोगस वाले जो है अब जुदा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बच्चों, जुदा हो रहे हैं। तो भाई एक कॉपी इसके पास, एक कॉपी उसके पास, ठीक है। वहीं पे एक कॉपी इसके पास, एक इसके पास, फिर वहीं पे एक इसके पास, एक इसके पास, और ये फोर्थ वाला आ गया इधर, ये फोर्थ हो गया। तो ये बन गए गैमीट्स, यानी हाफ हो गया। तो दिस इज मियोसाइट, जिसके अंदर मियोसिस हुआ, रिडक्शनल डिवीजन से आपको पता है गैमीट बनता है। तो यहाँ पे एक गैमीट, यहाँ पे दूसरा गैमीट। अब देखो तुम्हें ये तो पता लग गया कि क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, अभी हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा है। नाउ लेट अस कम टू द जीन्स ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे अब हम जीन्स देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कैपिटल ए है बच्चा पार्टी, ये स्मॉल ए है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कैपिटल बी है, कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था नंबर ऑफ गैमीट्स कैसे निकलेंगे, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है, ये हमारे कॉम्बिनेशन है चार जीन्स का। तो नंबर ऑफ गैमीट्स क्या होंगे, 2^1, यानी दो गैमीट्स बनेंगे। तो यानी ये दो गैमीट्स बन गए हमारे पास, ठीक है। अब इस वाले के पास कैपिटल ए आया, इसके पास कैपिटल ए, इसके पास तो सिर्फ बी आ सकता है कैपिटल बी, इसके पास कैपिटल सी, इसके पास कैपिटल डी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल बी, कैपिटल सी, और यहाँ पे कैपिटल डी, बन गए दो टाइप के गैमीट्स, बने या नहीं बने दो टाइप के गैमीट्स, बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। कमऑन बच्चो, कमऑन बच्चा पार्टी, कमऑन, यस हाँ, आई वोंट बी यूजिंग रेड कलर, यस यस आई मेक श्योर बच्चो दैट आई वोंट यूज द रेड कलर। देखो बने गैमीट्स, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वही मेंडल का काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम मियोसिस सॉल्व करने के बाद ये प्रूफ कर रहे हैं। एक और बढ़िया सा डायग्राम बना ले, क्या कहते हो बच्चों, एक और बना ले, लेट्स मेक वन मोर थिंग, अभी पूरा क्लियर कर देंगे इसको, ठीक है। यस अभी इसको पूरा क्लियर करते हैं, एक और बनाते हैं। तो यहाँ पे जो अब मैम कॉम्बिनेशन ले रही है, लेट्स सी, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी बच्चों का रेड कलर दिख नहीं रहा है, तो मैम ने यहाँ पे इसको रब कर दिया बच्चों, ठीक है। अब बनाते हैं जरा दूसरे कलर से, ये वाला कलर ले लेते हैं गोल्डन। तो यहाँ पे अब हमने कॉम्बिनेशन बनाया कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, और ये हमारा पूरा सेल है। अब मुझे बताओ कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे और उसके स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से, एवरीबॉडी मेक द स्ट्रक्चर्स, एवरीवन। अगर आज मेहनत नहीं की तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस समझ नहीं आएगी। यस चलो बच्चो,
यस डायग्राम बन रहा है। अब देखो अब मैं इसमें हिंट नहीं देने वाली हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना दिया, और अब दिमाग लगाओ कि अगर ये सेल है उसके पास ये जीन कॉम्बिनेशन है तो गेमीट्स बनेंगे। अब गेमीट्स टाइप आपको निकालना आता है, ये मैं सिखा चुकी हूँ, बस अब आपको फिगर के रूप में बनाना है। फोर टाइप ऑफ गेमीट्स बनेंगे एब्सोल्यूटली। तो अब जो कॉम्बिनेशन है वो है कॉम्बिनेशन ये, दिस इज द कॉम्बिनेशन विच इज प्रेजेंट इन दिस सेल। तो यहाँ पे दो हेट्रोजाइगस है तो 2^2 यानी 4, ठीक है, यानी एक कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे चलो बना लेते हैं इसको। सो यहाँ पे हमारे कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बनेंगे फटाफट से, ये रहा डी और ये रहा डी। तो चार तरह के गेमीट बना दो गेमीट बच्चों, यस बना दो गेमीट। हो गई आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कैसे सॉल्व की, जस्ट यू हैव मेड दिस पर्टिकुलर थ्योरी एज मेंडल थ्योरी, ठीक है। बस यहाँ पे हम करते क्या है, हम क्रोमोसोम पे बना रहे हैं सब चीजें। यहाँ फोकलाइन मेथड यूज कर रहे थे, यहाँ क्रोमोसोम पे बना रहे हैं क्योंकि समहाउ द क्रोमोसोमल थ्योरी इज ट्राइंग टू से द सेम थिंग एज मेंडल हैज सेड, द ओनली डिफरेंस इज दैट दे हैव प्रूव्ड इट यूजिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है, यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। आया सबको समझ में, टेल मी इन द चैट बॉक्स ऑल माई 1000 स्टूडेंट्स, आ गया समझ में, यस डन बच्चो, यस कम ऑन, यस नैन्सी विशाल पूजा, यस बच्चो चलो अभी ये समझ में आ गया। नाउ लेट अस सी व्हाट इट इज, और इसको एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। नाउ व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, लेट सी। नाउ सटन एंड बोवरी इंडिपेंडेंटली, सबसे पहले दोनों ने इंडिपेंडेंट काम किया, नाम साथ में पर इंडिपेंडेंट काम किया, रिकॉग्नाइज दैट द ट्रांसमिशन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट पैरेलल द पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स। तो यही चीज तो मैम ने तुम्हें अभी समझाई, बेसिकली सटन बोवरी ने अकेले अकेले काम किया और उन दोनों ने यही चीज क्रोमोसोम के जरिए प्रूव की, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स, ठीक है। दे प्रपोज द क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस विच स्टेट्स दैट द क्रोमोसोम आर द कैरियर ऑफ जीन्स, दैट इज द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। तो मेंडल ने जब हमें चीज बताई थी तो उसने हमें ये नहीं बताया था कि आखिर फैक्टर्स होते कहां, जीन्स होते कहां, बट सटन एंड बोवरी ने हमें बताया कि जिस फैक्टर के ट्रांसमिशन और इनहेरिटेंस की वो बात कर रहा है वो बेसिकली कहां पे होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स पे होते हैं, एंड क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जीन्स, जिनके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, एलील्स, क्या बोलते हैं उसको, एलील्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट, सो हियर यू कैन सी द एंटायर डायग्राम, यही मैम ने बनाया था। चलो अब इसको रीड करते हैं बच्चों, लेट्स रीड दिस, हम बना तो चुके हैं इसको, अब रीड करते हैं। सबसे पहले यहां पे आएंगे क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, चलो ये रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है बिल्कुल रेप्लिकेशन हुआ है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, एवरीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स। ये मैंने थोड़ी लाइन बना दी है, यहाँ पे 2n कितना है, यहाँ पे 2n कितना है, चलो भाई सेल डिविजन अभी तुम्हारा देखते हैं, कम ऑन बच्चो, यस यहाँ पे 2n कितना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यस 8, इज इट चारुल, खुशाली, यस 4, यस यहाँ पे 8 है, जेब पिटाई तुम्हारा सेल डिवीजन क्लियर नहीं है, नालायको डांट खाओगे आज मुझसे, सिस्टर क्रोमेटेड बनना यानी क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया, कहां पे बढ़ाएंगे तुमने, सी वैल्यू बढ़ी है यहाँ पे, बस यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ा, अभी पिटाई लग जाएगी तुम्हारी। यहां पे 4 क्रोमोसोम है, जब एस फेज में गए तो सिस्टर क्रोमेटेड बने, तो यहां पे भी 4 ही क्रोमोसोम है, यस बिल्कुल, ठीक है, स्टिल देयर आर 4 क्रोमोसोम्स, 4 ही क्रोमोसोम्स है अभी भी, बट सी वैल्यू डबल हो चुकी है, जो आपकी सी वैल्यू है वो डबल हो गई है क्योंकि सिस्टर क्रोमेटेड आ गया, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम हियर इज ऑल्सो 4, हियर इज ऑल्सो 4। नाउ लेट सी द मियोसिस 1, मियोसिस 1 में अब एनाफेज पे आपके क्रोमोसोम मूव करते हैं, ना कि क्रोमेटिड्स, याद करो वो लाइन,
क्रोमोसोम मूव करते हैं एनाफेज वन में, ना कि क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, यहां से जब गैमीट बने तो ये वाला एक में आ गया, ये वाला दूसरे गैमीट में आ गया, ये वाला एक में आया, ये वाला दूसरे सेल में आया, ठीक है। आगे तो यहां पे 2n4 था, तो यहां पे हैप्लॉइडी हो गई, यानी 2 हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है, हाफ हो गया। नाउ इट्स हाफ, दिस इज मियोसिस 1। अब आते मियोसिस 2 पे, अब यहां पे क्रोमोसोम मूव नहीं करेगा, यहां पे मूव करेगी क्रोमेटिड्स एनाफेज में। तो यहां पे क्रोमेटिड्स मूव किए, तो यहां पे आपको चार सेल बने, और चारों सेल के कॉम्बिनेशन देखो, कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर, यही गैमीट्स बनाते हैं। अगर हम इनिशियल कॉम्बिनेशन देखें तो इसके कितने गैमीट्स बनेंगे, 2^2, यानी 4, और यही चारों गैमीट्स आपको यहां पे दिख रहे हैं। बस यही आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे आपने सेल साइकिल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देयर इज नथिंग न्यू, देयर इज नथिंग न्यू हियर। तो अगर देखो, हमें यहाँ पे डायरेक्ट गेमीट्स निकालने हैं, तो सिंपल फोक लाइन मेथड यूज करते बच्चों हम, चलो यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स यूज इट। चार टाइप के गेमीट्स बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो यहाँ पे क्या यही कॉम्बिनेशन है, कैन यू सी यही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, देखो बताओ मुझे चैट बॉक्स में, यस मैम बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, यस ऑल माय 1000 स्टूडेंट्स वाचिंग अस लाइव ऑन अनअकैडमी नी टॉपर चैनल, बन रहे हैं ना चारों। तो यानी कि ये वाला मेंडल ने दिया था हमें डायहाइब्रिड क्रॉस में, वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन डायहाइब्रिड क्रॉस, वही सेम चीज हमने यहाँ पे देखो क्रोमोसोमल थ्योरी के थ्रू प्रूव की, सेम रिजल्ट आए हैं, ठीक है, यस सेम रिजल्ट हैज कम, बिल्कुल आ गया मजा, यस प्रूव हो गया, दोनों पॉइंट प्रूव हो गए। बस यही तो करना चाहते थे सटन एंड बोवरी, और क्या करना चाहते थे, यही करना चाहते थे, प्रूव करना चाहते थे बस। नाउ लेट्स कम टू होमोलोगस वर्सेस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। नाउ ये इतना जरूरी नहीं है, सो वी कैन स्किप दिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो बच्चों आओ जरा अब रिकॉम्बिनेशन वाला पूरा थ्योरी समझते हैं, लिंकेज को समझते हैं, बट इसके लिए हमें सबसे पहले रिकॉम्बिनेशन वाला पार्ट समझना है, सो लेट्स स्टार्ट रिकॉम्बिनेशन। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए तैयार है बच्चा पार्टी न्यूमेरिकल्स करने के लिए तैयार है, आई गॉट फ्यू न्यूमेरिकल्स टूडे फॉर यू बच्चों, ठीक है। तो आज हम वो करते हैं, सो सबसे पहले हम करेंगे रिकॉम्बिनेशन। नाउ बच्चों रिकॉम्बिनेशन इज क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट पैकेटिन, ठीक है, इट अकर्स एट पैकेटिन स्टेज, क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेस एंजाइम इसमें हेल्प करता है, ठीक है। अब जितना रिकॉम्बिनेशन होगा उतना जेनेटिक वेरिएशन होगा, उतना क्या होगा बच्चों, जेनेटिक वेरिएशन होगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कब रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है, रिकॉम्बिनेशन तब ज्यादा होता है जब डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स मोर होता है, क्या होता है, मोर होता है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स बहुत ज्यादा है तो आपका रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ज्यादा होगा, क्या होगा बच्चों, आपका रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ज्यादा होगा, यानी कि आप ज्यादा पेरेंट्स की तरह लगोगे या थोड़ा यूनिक लगोगे, यस सवाल ये उठता है, यस क्या पेरेंट्स की तरह लगोगे, थोड़े से यूनिक लगोगे अगर आपका रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ज्यादा है, ऑफ कोर्स यू विल लुक लेस लाइक योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे सलमान जी का बेटा सलमान जी नहीं बनेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है, यहाँ पे चांसेस है कि कुछ नया कॉम्बिनेशन बन के आएगा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ यू नो व्हाट योर रिकॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चा पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल। नाउ अब देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट ईयर, लेट्स सी नाउ द परसेंटेज, हाउ यू कैलकुलेट द परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। Now, in order to find the recombination frequency, first thing that you need to write is number of recombinants. क्या लिखना है बच्चों आपको, number of recombinants. Now, number of recombinants divided by total number
ऑफ प्रोजनी इन 200. सबने फॉर्मूला लिखा चैट बॉक्स में, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. कम ऑन बच्चा पार्टी, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, क्या सबने ये फॉर्मूला लिखा? कम ऑन बच्चों, नाउ कैन आई स्टार्ट गिविंग यू क्वेश्चंस. सबसे पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में 1% इक्वल्स टू 1 centimorgan. मैं यूकैरियोट्स में हम जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज मैप यूनिट्स. क्या यूज करते हैं बच्चों? मैप यूनिट्स. तो अगर सेंटीमॉर्गन है तो समझ जाना प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, अगर मैप यूनिट लिखा है तो समझ जाना यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस, सम अमेजिंग क्वेश्चन. हाँ बच्चों, बस मैंने क्वेश्चन के ना मैंने वो फोटो निकाल ली है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चन हियर. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. बच्चों मैं फॉर्मूला हटा नहीं रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू यूज दिस फॉर्मूला, और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना. क्लास में ही प्रैक्टिस चलेगी, प्रॉपर प्रैक्टिस मेरे बाल को. आ जाओ क्वेश्चन. जी स्क्वायर, सॉरी बच्चों शगुन हो गया, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी. और इसी के साथ हमारा जो फॉर्मूला था वो भी उड़ गया, आई एम सो सॉरी शगुन. तगड़ा शगुन किया आज मैम ने. चलो मैं वापस लिख दूंगी फॉर्मूला, वो तो कोई टेंशन की बात नहीं है. क्वेश्चन, अ डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग. ठीक है बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस है यानी टू जीन इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है ना लाइको. अब यहाँ पे ये है हमारे नंबर्स, सो प्लीज लुक एट द नंबर्स इन डिटेल्स. बच्चा पार्टी टेंशन नहीं लेने का, आराम से सॉल्व करने का, मैम का जो फॉर्मूला था उसे यूज करना है. सो व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स. चलो आई एम गिविंग यू 30 seconds बच्चों, तो इसके ऑप्शंस भी मैं दे देती हूँ. लेट्स राइट द ऑप्शंस आल्सो. 12.5 मैप यूनिट्स, 1, 20 and 25. ठीक है चलो कम ऑन बच्चा पार्टी. यस बच्चों जो पढ़ने के लिए आए हैं वो पढ़े आराम से, जिन्होंने नलायकों वाले काम करने हैं आप उनको क्या ही कह सकते हैं, क्या ही कह सकते हैं. क्लास की सभ्यता बनाए रखें. बेटा मैं अपने फोन का ब्रांड नहीं बता सकती ना, एडवर्टीजमेंट हो जाएगी. हम क्यों करें एडवर्टीजमेंट? यस हम नहीं करेंगे. यस तो बच्चों आंसर क्या है नलायको, जल्दी. आई वॉन्ट आंसर बच्चों, इतना लेट कैसे? यस इतना लेट कैसे? आंसर क्या है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है आंसर. मैम 1, अच्छा इज इट आयुष, इज इट? चलो तो यहाँ पे बच्चा पार्टी आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स हमेशा कम होते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स हमेशा कम होते हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स में हम ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं. ठीक है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशंस का नंबर इतना जल्दी नहीं बनता बिकॉज इट इज अ ह्यूज प्रोसेस, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है. सो 240 + 260, ठीक है, और टोटल अगर हम इसको करेंगे तो करीबन 2000 आएगा. कितना आएगा? 2000 आया इनटू में 100. तो यहाँ पे आप देखिए तो ये 260 + 240 = 500 बच्चा पार्टी, ये हो गया डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो गया 2 / 50, तो आंसर 25 मैप यूनिट्स आ रहा है आंसर. ये क्या यही आंसर आया तुम्हारा? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? एक बार मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया कैलकुलेशन में? सब कुछ ठीक है, तो आपका आंसर 25 मैप यूनिट्स होना चाहिए था. तो ये आपने नलायको क्या काम किए हैं, क्या काम किए? तालियां बजा दो इस बात पे, नलायक वाले काम जो अभी तुमने किए हैं, है ना, हाई लेवल के जो नलायकपन तुमने अभी किया है उसके लिए तालियां बजा दूं. एक क्वेश्चन और कर ले. चलो लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन बच्चों. रॉन्ग हो गया ना, तभी मैं कहती हूँ कि बिल्कुल लाइव सेशन में आओ, हाथ क्या सब चीजें पढ़ के जाओ. ठीक है यस बच्चों, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं. आई एम राइटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरीबडी हैज मेड अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन, सबने नोट कर लिया ये क्वेश्चन. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो
हाँ अभी और क्वेश्चन करेंगे बच्चों, करेंगे करेंगे, डोंट वरी, वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है. क्वेश्चन नंबर टू, इफ डिस्टेंस बिटवीन, इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 30%, वाइल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 60%, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी. चलो आंसर बताओ चैट बॉक्स में. यस, आंसर इन द चैट बॉक्स. आ जाओ. क्यों, म्युनिसिपल काउंसिल आदमपुर पूरा तो आंसर मैम ने सॉल्व किया, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी बच्चा. यस कम ऑन बच्चों. क्या आंसर है तो इसको कैलकुलेट करें. चलो बच्चों ने आंसर तो दे दिया है, नाउ लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन. काफी बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा गुम हो गए हैं. गुम है किसी के प्यार में, है ना बच्चों. चलो आ जाओ मेरे बच्चों. तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, 1% इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन, सही बात है. तो बेसिकली सेंटीमॉर्गन में आपको दिए हुए हैं सारे डिस्टेंस. तो सबसे पहले जो ग्रेटर डिस्टेंस वाला हम हमेशा वो निकालते हैं. तो ए और बी के बीच में 60 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस दिया हुआ है ए एंड बी. तो ये हो गया बच्चों 60, ठीक है. वहीं पे क्वेश्चन कहता है ए और सी के बीच में 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कहीं सी होगा तभी वो 30 कह रहा है. तो बी और सी के बीच में आपने कैलकुलेट करना था, तो आंसर आएगा 30%. तो आई थिंक यहाँ तो बच्चे मचा रहे हैं. यस मचा रहे हैं बच्चे, समझ गए सवाल को. एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, ठीक है. यस चलो आ जाओ एक सवाल और. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन बच्चों, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, लेट्स डू इट नाउ. क्वेश्चन नंबर थ्री, अरेंज द जीन्स अकॉर्डिंग, अरेंज द जीन्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस बिटवीन देम. इफ 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 ले लेते हैं यहां पे, ए एंड डी इज 70, ए बी इज 30 एंड बी एंड सी इज ओके 15. चलो बच्चों कैलकुलेट करो. यस कम ऑन, आपने कैलकुलेट करना है कि क्या क्या डिस्टेंस होगा, क्या क्या चीज होगी. कम ऑन एवरीबडी, फटाफट से प्रैक्टिस करो बच्चों. खेमू प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कम ऑन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. मैम आप नाराज क्यों आज, क्यों आज क्या हुआ है, आज किस बात की नाराजी, ऐसे दिन थोड़ी होते आज हम नाराज है, ये सब क्या होता है. ओ आयुष कल मैं अच्छी दिख रही थी, थैंक यू. यस थैंक यू. कि मैं गुस्से में हूँ. नहीं, बच्चों नहीं, अपन को किस बात का गुस्सा, हमारे पास कोई रीजन ही नहीं है गुस्सा करने का. सबसे प्यारे बच्चे यूट्यूब के मेरे पास है ना. जिस टीचर के पास सबसे प्यारे बच्चे यूट्यूब के, उससे किस बात का गुस्सा, वो तो खुशी खुश रहना उसने हमेशा, है ना, हमेशा खुशी खुश रहना है, हमें किस बात की नाराजगी. हमारे बच्चे है इतने प्यारे, सबसे प्यारे बच्चे हमारे पास है अनअकैडमी नीट टॉपर चैनल पे, सब धूम मचाने के लिए तैयार रहते हैं सुबह सुबह. तो बच्चों देखो आओ जरा आंसर देखते हैं इसका. लेट सी द आंसर. तो ए और डी के बीच में 70 है, चलो बना लेते हैं. फिर उसके बाद ए और बी के बीच में आपका 30 है, ठीक है. फिर बी एंड सी, ओके बी एंड सी के बीच में आपका लेट से यहाँ पे तो हो सकता है बी एंड सी 15, बट वी हैव टू मेक इन टोटल 70, ठीक है. तो हमें टोटल 70 बनाना है, तो ये हमारा सी हो गया, ठीक है. तो ये 15 हो गया, 30 प्लस 15 45, 45 माइनस 70 कितना हो गया 35. तो ये हो गया सी एंड डी के बीच का डिस्टेंस.
सो दिस कैन बी योर एक्चुअल आंसर ए बी सी डी. बच्चों ने बिल्कुल सही सॉल्व किया, बिल्कुल 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 बिल्कुल. हाँ ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझे ए और सी भी लिख देना चाहिए था. सो ए एंड सी लेट से 45 ले लेते हैं हम, ठीक है. लेट से हम इसे 45 ले लेते हैं, तब आपका आंसर और भी बेहतरीन आ जाता. यस अगर हम ए और सी को लिख ले बच्चों, ठीक है, 45, तो आपका आंसर ही आंसर और बेहतरीन बन जाएगा. तो ये बताओ जरा, प्रॉब्लम तो नहीं है इस वाले क्वेश्चन में? बताओ जरा, बताओ इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है? सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, फिर अपन आगे चलेंगे, फिर आगे चलेंगे. प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? यस डन. अच्छा 25 आएगा. अच्छा, अपन मैथ्स में गलती कर दी है. अरे 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 अरे, क्या बात है, एक गलती हो गई है ना, तहलका मचा दिया चैट बॉक्स में, आग लगा दी. माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आग लगा दी बिल्कुल. क्या बात, क्या बात. अब गलती मत करना बिल्कुल भी. अब चलते हैं हम नेक्स्ट चीज पे, ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. बिल्कुल ठीक है, मैथ्स में हो गई गलती, अब बच्चों की जान लोगे क्या? तुमसे गलती होती है तो टीचर जान ले लेता है क्या तुम्हारी? भाई गलती हो गई, अब बच्चे की जान लोगे? नहीं. चलो आ जाओ बेटा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अब जरा थोड़ी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं. डेफिनेशन भी जरूरी होती है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ वेरिएशन इन यूकैरियोट. बिल्कुल सही बात है. जो हमारे ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है, जबकि हमारे जो यूकैरियोट्स हैं उनमें यू नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है, तो वहां पे वेरिएशन का अमाउंट ज्यादा रहता है, ठीक है. नाउ प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव एन इक्विवेलेंट प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अच्छा एक बात तो बताओ यार बच्चों, अगर अमीबा में वेरिएशन लानी है तो क्या करोगे यार अमीबा में वेरिएशन के लिए? यस बताना जरा. अगर मान लो अमीबा में तुम्हें वेरिएशन लानी है तो कैसे लाओगे, कैसे लाओगे ये बताओ सर, आखिर ऐसे क्या? अच्छा साक्षी कह रही मैम एक और क्वेश्चन, अभी 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 बनाती हूँ क्वेश्चन, डोंट वरी. पहले मुझे बताओ अमीबा में अगर वेरिएशन लाने तो क्या करोगे? ऑफ कोर्स क्या करोगे, क्या करोगे? म्यूटेशन. क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं है अमीबा में, तो यहाँ पे अगर वेरिएशन हमको चाहिए तो दैट वुड ओनली बी थ्रू म्यूटेशंस, ठीक है. यस नाउ हाउएवर प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव मैकेनिज्म बाय व्हिच डीएनए कैन बी ट्रांसफर बिटवीन द स्ट्रेन्स ऑफ द सेम स्पीशीज और इवन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, सो कॉन्ट्रीब्यूट थ्रू अ पॉपुलेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी. सो रिकॉम्बिनेशन इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, और जितना जेनेटिक डाइवर्सिटी रहेगा उतना ज्यादा एवोल्यूशन होगा, जो अगेंस्ट काम करता है किसके? हार्डी विनबर्ग के. किसके अगेंस्ट काम करता है बच्चों? जो हार्डी विनबर्ग के. नाउ टू टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है. तो इसका डायग्राम हम यहीं पे बनाएंगे. लेट्स मेक द डायग्राम हियर. बच्चा पार्टी, तो नॉन होमोलोगस, अगर नॉन होमोलोगस है तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं. ये एक है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा कलर से बनाते हैं. लेट्स टेक पर्पल. तो यहाँ पे देखो होमोलोगस क्रोमोसोम बनाए पहले मैम ने. चलो वापस से, कितने क्रोमोसोम है? चार. कितने क्रोमोसोम है? चार क्रोमोसोम. अब अगर इन दोनों के बीच में, अगर बच्चा पार्टी इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाए, क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो उसको बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. क्या बोलते हैं बच्चों से? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ठीक है. वही अगर यहाँ पे और इसके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. तो अगर इन दोनों के बीच में हो रहा है सो दिस वुड बी कॉल्ड एज होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ठीक है. अगर इन दोनों के बीच में हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे ये बहुत रेयरली होता है, इट इज वेरी रेयर इवेंट, ठीक है. जबकि ये हमारा बहुत कॉमन है क्योंकि पैकेटीन में होता ही यही है, सारा पैकेटीन में यही हो रहा है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नया होता नहीं है, ठीक है. नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड एक्सचेंज ऑफ डीएनए. नाउ हियर यू कैन सी द एंटायर प्रोसेस. तो अगर हम एनसीईआरटी की लाइन देखें तो वो कहता है कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. सही बात है.
तो यहाँ पे भी यही हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम है बट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में बनेगा सिनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जिसके बाद क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर। तभी तो कहते हैं सलमान का बेटा सलमान नहीं बन पाएगा, राइट। सलमान का बेटा सलमान नहीं बन पाएगा, राइट बच्चों। समझ में आ रहा है, टेल मी इन द चैट बॉक्स, बताओ बताओ। तो यहाँ पे वत्सल रो रो के पूछ रहा है ना, ऐसे रो रो के, मैम केमिस्ट्री की क्लास कब शुरू होगी, मैम केमिस्ट्री की क्लास कब शुरू होगी, मैम। बेटा हो जाएगी हो जाएगी, सर का स्टूडियो सेट हो रहा है, ठीक है। आज शायद वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपके लिए बड़ा प्यारा मैसेज डालने वाले हैं। मैंने सर से अभी कहा है बच्चे हमारे बहुत बेचैन हो रहे हैं, विशाल सर प्लीज एक मैसेज डाल दो, वरना वो मुझे मेरा बायो पढ़ाने नहीं देंगे आपके केमिस्ट्री के चक्कर में। मैंने कहा आप प्लीज उनको फोटो डाल दो यार, वो आपकी आपको देखने के लिए तरस रहे हैं, हमको तो अब कौन ही देखता है, बट हाँ विशाल सर आपको देखने के लिए तरस रहे हैं बच्चे। आप फटाफट से एक मैसेज डाल दो कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, वरना ये हल्ला मचा देंगे मेरे सेशन में, मुझसे कह देंगे केमिस्ट्री आप पढ़ा लो, मेरे को बायो पढ़ाने नहीं दे रहे सुबह से। यस, बहुत ही आतंक मचा रखा बच्चों तुमने, सच में बिल्कुल बिल्कुल ही हल्ला कर दिया कल से तुमने केमिस्ट्री के लिए, बट होना भी चाहिए, दिस इज पैशन भाई, बच्चों को पढ़ना है, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है। मैं बिल्कुल इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, आई एम लाइक यस दिस इज अ पैशन आई वॉन्ट टू सी इन माई किड्स एंड दे आर गिविंग मी दिस पैशन, सो वट एल्स आई नीड। यस, तो अभी मैंने विशाल सर से जस्ट अभी बात की, प्लीज विशाल सर थोड़ा सा रहम करो, एक मैसेज डाल दो प्लीज विशाल सर, वरना ये पढ़ाने नहीं दे रहे मुझे सुबह से, बिल्कुल। अब आते हैं बच्चों, व्हाट इज लिंकेज, नाउ लेट्स कम टू द लिंकेज। लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो व्हाट इज लिंकेज, लिंकेज इज डिफाइंड एज जेनेटिकली एज अ फेलियर ऑफ टू जीन्स टू असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। पहली लाइन से क्या पता लगता है लिंकेज ने किसकी बैंड बजाई, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल था आपके मेंडल का जिसकी इसने बैंड बजा दी। सीधी सी बात है बच्चों, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कौन सा लॉ है, ओपनिंग स्टेटमेंट में बैंड बजा दी कि भाई आए और धर 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 धर, यस आते बैंड बजा दी। कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, दैट इज योर थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि एक जीन दूसरे के इनहेरिटेंस में दखलदाजी नहीं करता है, बट लिंकेज कहता है क्यों नहीं करता दखलदाजी, बिल्कुल करता है, अगर हम हैं पास पास तो हम जाएंगे भी साथ साथ। देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट है, अगर हम दोनों हैं पास पास तो हम जाएंगे दोनों साथ साथ, यही तो हो रहा है लिंकेज में। अगर दो जीन आपस में साथ में है बिल्कुल क्रोमोसोम पे, तो वो यही कहते हैं, वो गाना ही गा रहे हैं, हम हैं साथ साथ जाएंगे, हम हैं पास पास जाएंगे साथ साथ, यही स्टेटमेंट लिंकेज वाले जीन्स गाते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बेहद कम होता है। जब दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होता है तो ऐसे जीन्स को आप लिंक्ड जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों पार्टी, उसे लिंक्ड जीन्स कहते हैं, ठीक है। अब दोनों साथ जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स रिकॉम्बिनेशन तो होगा नहीं, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी, क्या होगी बच्चों, इस केस में जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ठीक है बिल्कुल। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूं कि जब आपका रिश्ता बहुत मजबूत है तो कोई भी आ जाए आपको हिला नहीं सकता, आप जाएंगे भी साथ, मैकडोनल्ड्स भी साथ जाएंगे, कभी मन हुआ तो KFC भी चले जाएंगे, और मन हुआ तो ठीक है कोस्ता भी चले जाएंगे, ठीक है, बट जाएंगे साथ साथ क्योंकि रिश्ता मजबूत है बच्चों, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे भी यही चीज है, दिस इज कॉल्ड लिंकेज, और लिंकेज ने जिस लॉ की बैंड बजाई है, दैट इज योर थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि ये कहता है कि ना फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है डिस्टेंस से, डिस्टेंस ही है सब कुछ, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। नाउ वी हैव लिंकेज अकर्स व्हेन टू जीन्स आर क्लोज टू ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये शब्द बहुत जरूरी है, ऑन सेम क्रोमोसोम। अरे भाई पड़ोसन को लेके नहीं भागना है, दूसरे की लेके नहीं भागना है, अपनी वाली को लेके भागना है, ठीक है बिल्कुल, याद रखा करो बच्चों। स्टारबक्स नहीं, नैन से अपन इतने पैसे नहीं है बच्चों, इतने पैसे नहीं है स्टारबक्स, स्टारबक्स बस ऐसे देख लेते बाहर से, ओह स्टारबक्स मम्मी स्टारबक्स, वहां से एक जाएंगे और सेल्फी खिंचवाएंगे, हाय आई एम इन स्टारबक्स, बट जाते नहीं है। फिर सामने जो होता है ना गणेश कॉफी वाला, वहां से कॉफी पी के बस फील आता है कि हाँ कॉफी पी ली बस बच्चों।
तो यहाँ पे अपनी वाली को लेके भागना बच्चों, पड़ोसी पे नजर बिल्कुल नहीं रखनी है, ठीक है? सो इट हैज टू बी ऑन द सेम क्रोमोजोम, नॉट ऑन द अदर क्रोमोजोम, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, जीन्स फार अपार्ट, अब देखो जो है ही जुदा, ऑन द सेम क्रोमोजोम असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, अब जब हम दोनों में डिस्टेंस ही इतना है तो वो कहीं मैं कहीं, तू अपने रास्ते चल मैं अपने रास्ते चलू, ब्रेकअप के बाद यही कहते हो ना, चल तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब डिस्टेंस आ चुका है, तो अब इंडिपेंडेंटली दोनों अपना काम करेंगे, ठीक है? बिल्कुल सही। फिर एक्स की फोटो देखेंगे, फिर जलेंगे, ये सब कहानियां चलेंगी उसके भी, ये बात की स्टोरी है। अब आते हैं बच्चों, लिंकेज इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द टू जीन्स, कितना क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है आपका लिंकेज, ठीक है? बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस वन, तो मियोसिस वन के प्रोफेज में किस में होती है क्रॉसिंग ओवर, मैंने जस्ट अभी बताया था, दैट इज पैकेटिंग, दैट इज पैकेटिंग, ठीक है? बिल्कुल। वेयर होमोलोगस क्रोमोसोम ब्रेक एट आइडेंटिकल लोकेशन एंड रीजॉइन विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम लाइक रिकॉम्बिनेज, लाइक रिकॉम्बिनेज, ठीक है बच्चों? आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे क्या क्या पता चला? पहली चीज ये पता लगी, लिंकेज ने बैंड बजाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। दूसरी चीज, लिंकेज इज अ कॉन्सेप्ट वेयर टू जीन्स आर लिंक टूगेदर बिकॉज दे हैव लेस डिस्टेंस, ठीक है? तीसरी चीज हमने क्या सीखी, ये जो जीन्स है ये एक ही क्रोमोसोम वाले जीन्स की बात कर रहे हैं, यानी कि दुनिया भर के सारे जीन्स की बात कर रहे हैं, नहीं, अगर ये दोनों लिंक्ड है तो ये जीन्स में भी साथ में जाएंगे, सॉरी गैमीट में भी साथ में जाएंगे, ठीक है? दे विल गिव द सेम कॉम्बिनेशन जस्ट लाइक अ पेरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है? बिल्कुल बच्चों। बेटा आतिका, आपको ना स्पैम करने की जरूरत नहीं है, मैं कभी स्पैमर्स को रिप्लाई नहीं करती चैट बॉक्स में, दैट इज माई रूल। अगर आप स्पैम करोगे ट्रस्ट मी मैम आपसे बात नहीं करेगी, मैम विल नेवर रिप्लाई यू, ठीक है? ये मेरा एक रूल है, आप कितना भी स्पैम कर लो, अभी भी मैंने रिप्लाई नहीं किया, आई वोंट। देयर इज सम डेकोरम इन द क्लास, हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप कुछ भी बोलेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल, नो नो नो, यू नीड टू मेंटेन द क्लास डेकोरम, दिस इज हाउ वी वर्क हियर, राइट बच्चो? यस। नाउ बच्चो टाइप्स, नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिंकेज हियर, वन इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज एंड अदर इज कॉल्ड इनकम्प्लीट लिंकेज। नाम से आपको काफी कुछ पता लग रहा होगा, कंप्लीट लिंकेज इज डिफाइंड एज अ स्टेट इन व्हिच टू लोसाई आर सो क्लोज टुगेदर दैट एलील्स ऑफ दीज लोसाई आर वर्चुअली नेवर सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, यानी जहां पे कोई चांस ही नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर हो जाए, यानी ये हमेशा साथ ही जाएंगे, चाहे वन जनरेशन से सेकंड में जा रहे हैं या सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं, ठीक है? इस केस में हमेशा दोनों साथ ही रहेंगे जीन्स, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज, जबकि इनकम्प्लीट लिंकेज में देयर स्टिल सम डिस्टेंस, अभी है गुंजाइश, विच कैन बी यूज्ड टू यू नो रिड्यूस द लिंकेज, यस दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट लिंकेज। लोसाई क्या होता है साक्षी? लोसाई इज द एड्रेस ऑफ अ जीन, लोसाई इज एड्रेस ऑफ अ जीन, ठीक है? इट इज द एड्रेस ऑफ अ जीन, बिल्कुल, यस। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंकेज, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। लिंकेज इन्वॉल्व्स टू और मोर जीन्स व्हिच आर लोकेटेड इन सेम क्रोमोसोम इन अ लीनियर फैशन, सेम क्रोमोसोम वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए, सारा एनसीईआरटी से निकाला हुआ है, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है, ठीक है? बिल्कुल। Now, linkage reduces variability, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों साथ में जा रहे हैं तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो वेरिएबिलिटी कम होगी, ठीक है? नेक्स्ट, लिंकेज मे इन्वॉल्व आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स, कपलिंग फेज और सम डोमिनेंट सम रिसेसिव एलील्स कॉल्ड रिपल्शन फेज। तो यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील है तो कपलिंग फेज है, सम डोमिनेंट सम रिसेसिव है तो रिपल्शन फेज है, या तो सारा डोमिनेंट होगा या सारा रिसेसिव होगा, तो वो कपलिंग है, या एक पार्ट उसका डोमिनेंट हो सकता है एक उसका रिसेसिव हो सकता है, तो उसे रिपल्शन फेज बोलेंगे, ठीक है? नाउ लिंकेज यूजुअली इन्वॉल्व्स दोस जीन्स व्हिच आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर बिकॉज दे आर लेस डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, ठीक है? Now the strength of linkage depends on the distance between the linked genes and linkage can be determined from test cross progeny data. तो यहाँ पे test cross करना बेहद जरूरी है to identify the progeny linkage. ठीक है बच्चों? Yes. Ma'am, linkage क्यों होती है?
बड़ा अच्छा सवाल है, लिंकेज क्यों होती है? इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। यस यस, इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर लिंकेज क्यों होती है। बेटा अब आप कहेंगे कि हम सिंगल क्यों होते हैं, ठीक है, तो हम सिंगल हैं, कोई नहीं, ये भी एक तरीका है, ठीक है, हम लिंकेज में हो सकते हैं, ये भी एक तरीका है। सो इट इज द वेरिएशंस जो हमारे नेचर में है, ठीक है। कुछ जीन्स ने सोचा हम हमेशा साथ रहते हैं, पार्टी बना के रखते हैं, क्लास में भी तुमने देखा होगा कुछ पार्टी होती है दोस्तों की, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी एक पार्टी है बच्चों, आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें आपकी लिंकेज की, कंप्लीट लिंकेज वर्सेस इनकम्प्लीट। लिंक्ड जीन्स यहाँ पे कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, जहां पे क्रॉसिंग ओवर के फिर भी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे दो जीन के बीच में डिस्टेंस है, यहाँ पे दो जीन के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हमेशा तीनों की होगी, हीमोफीलिया, ठीक है, मायोपिया, जबकि इनकम्प्लीट लिंकेज का अगर हम देखें तो हेयर एग्जाम्पल कैन बी टोटल कलर ब्लाइंडनेस, रेटिनाइटिस, पिगमेंटोसा, नेफ्राइटिस। सो दीज कैन बी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। यस, सब हंस क्यों रहे हैं, ये तो बेटा तेरे को क्लास में आते वक्त पता होना चाहिए था। यस, सो वी हैव क्रॉसिंग ओवर वर्सेस लिंकेज। बच्चों क्रॉसिंग ओवर इट लीड्स टू सेपरेशन ऑफ लिंक जीन्स, जबकि यहाँ तो भाई आपस में साथ साथ रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की बात हो रही है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात हो रही है, ठीक है, बिल्कुल। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कैन नेवर एक्सीड 50%, नेवर। 50% आप मम्मी पापा जैसे ही हैं, ज्यादा गुरु बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। एंड यहाँ पे द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स कैन नेवर बी मोर देन हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना है बच्चों, उतना ही आपका लिंकेज ग्रुप होगा। सो मान लो अगर हम ह्यूमन का लिंकेज ग्रुप निकालना चाहते हैं, इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट लिंकेज ग्रुप ऑफ ह्यूमन, क्या आंसर होगा बच्चों, वट विल बी द आंसर, आंसर इन द चैट बॉक्स, कम ऑन एवरीबडी। वेरी गुड गुरु, वेरी गुड गुरु, दिल के सारे दुख दर्द यहीं पे जी स्क्वायर के सेशन में निकाल दो तुम आके। कम ऑन बच्चों, कितना होगा, दैट वुड बी 23। तो अब मैं होमवर्क दे रही हूँ, आपने ड्रोसोफिला का लिंकेज ग्रुप निकाल के रखना है नेक्स्ट क्लास के लिए, ड्रोसोफिला। देन वी हैव मस्का डोमेस्टिका, मस्का इसका निकालना, ये मस्का वो बटर वाला नहीं है, मस्का लगा के बंद दे दो, हाँ ये मस्का डोमेस्टिका है, ठीक है, ड्रोसोफिला। कॉकरोच का निकाल के रखना बच्चों लिंकेज ग्रुप, ये तीन है, ये होमवर्क है तुम्हारे, ये निकाल के रखना नेक्स्ट क्लास में, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रा। ये देख रहे हो स्वैग, देख रहे हो बच्चों का, मैंने यार ड्रोसोफिला लिखा है, नहीं समझ नहीं आया, हम लिखेंगे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर तब समझ में आएगा, मतलब स्वैग है बच्चों तुम्हारा, स्वैग, यस स्वैग है मेरे बच्चों का, नॉर्मल ड्रोसोफिला नहीं, हम नहीं जानते कौन ड्रोसोफिला, हाँ हमारे पड़ोसन का नाम हो सकता है। अच्छा आप ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर की बात कर रहे हो, ओ आप पता लगे वो फ्रूट फ्लाई की बात हो रही है, स्वैग है भाई स्वैग, मानना पड़ेगा बच्चों को। आ जाओ बेटा क्विज पे, अब क्विज पे चलते हैं, ठीक है, यस आ जाओ क्विज पे चलेंगे। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज मोर व्हेन जीन्स आर लोकेटेड इन अ डिफरेंट सेल, जीन्स आर नॉट लिंक्ड, लिंक जीन्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, लिंक जीन्स आर लोकेटेड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। चलो बच्चों, यस हाँ हाँ सब सब समझ गई मैं, आ जाओ। अभी कुछ बच्चे लिखे हैं मैम रोस्टिंग कर रही है हमारी क्या आंसर है, डी इज द आंसर इज इट, चलो देख लेते हैं, बिल्कुल सही बच्चों, डी बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्या बात है, बल्ले नहीं बल्ले, जेनेटिक्स में मचा रहे बच्चे। सो लिंक जीन्स आर लोकेटेड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट, रिपल्शन एंड कपलिंग आर टू फेजेस ऑफ म्यूटेशन, काइजमेटा, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर। सो बेसिकली दोनों टर्म्स किसके रिस्पेक्ट में यूज करते हैं बच्चा, पार्टी खेमू क्या सोच रहा है, ये हमारा खेमू है, केमू क्या सोच रहा है,
क्या आंसर है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर इज इट या लिंकेज? खेमू तो सोच रहा है अभी, चलो खेमू को सोचने देते हैं। आंसर बच्चों लिंकेज है, रिपल्शन एंड कपलिंग। ठीक है, कपलिंग में दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं या दोनों रिसेसिव, रिपल्शन में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया कंटेन थ्री लिंकेज ग्रुप्स, टू लिंकेज ग्रुप्स, वन लिंकेज ग्रुप, नन ऑफ द अबव। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त सवाल। कम ऑन बच्चा पार्टी। ओह आई लव यू टू आर्यन। तो बच्चों आंसर इसका वन लिंकेज ग्रुप, जो नालायक रट्टा मार रहे हैं। पहले मैंने बताया था इसका डिप्लॉयड नंबर आपको पता होना चाहिए, तभी आप हैप्लॉयड ग्रुप निकालेंगे एंड देन यू कैन कैलकुलेट द लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप इज नथिंग बट हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। सी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे जानदार हैं हमारे। क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज बाय सटन, बोवरी, कुरेंस। सटन एंड बोवरी, ये तो वही बात होगी। क्या खाओगे, रसमलाई चाशनी? रसमलाई चाशनी, यस। क्या बात है बेटा, क्या सवाल है। सही में जिफ बिल्कुल सही लगाई है जूही मैम ने। सॉरी बच्चों, व्हाट इज आंसर? डी इज द राइट आंसर, यानी रसमलाई चाशनी। दोनों आंसर बच्चों सटन एंड बोवरी 1902। नेक्स्ट, अ सोमैटिक सेल इन अ ह्यूमन मेल कंटेन्स नो जीन ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, जीन्स ऑन ओनली ऑन सेक्स क्रोमोसोम, टू जीन्स फॉर एवरी सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, ओनली वन सेक्स लिंक्ड जीन फॉर ईच कैरेक्टर। यार सवाल सिंपल है, घुमाया हुआ है, बस घुमाया हुआ है, घुमाया हुआ है, घुमाया हुआ है। सवाल सिंपल है। सवाल सिंपल है बच्चा बाड़ी। क्या आंसर दिया है? डी, बिल्कुल सही बात है। ओनली वन सेक्स लिंक जीन फॉर ईच कैरेक्टर इज द राइट आंसर। भाई हर कैरेक्टर के लिए एक जीन ही तो होता है, तो मैं क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था। यस, वन जीनोटाइप इक्वल्स टू वन कैरेक्टर। क्या गलत बताया था? क्लास वन से तुम्हें यही चीज पढ़ा रही हूँ इस चैप्टर के। चलो बच्चों, आज का सेशन कैसा लगा? यस, कैसा लगा आज का सेशन बताना ना भूले चैट बॉक्स में। ठीक है, कल बच्चों, कल सुबह हमारा क्विज है, 10 बजे कल का क्विज होगा, पहले बता देती हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप सभी मेरे बाल का गण को डाउनलोड करके रखनी है, पहले से कल की तैयारी कर लो। देखो तैयारी कर लेनी चाहिए हर बच्चे को, क्योंकि कल आपका क्विज होने वाला है, तो क्विज की तैयारी में सबसे पहले क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके रखना है, फ्री है, कोई पैसा वैसा नहीं देना है। ठीक है, थर्ड, कल ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टेस्ट होगा। फोर्थ, रात में मैम कोड दे देगी, कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप में, रात में कोड आ जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं चाहती हूँ कल 2000 बच्चे चाहिए मुझे कम से कम क्विज में। आई वॉन्ट एटलीस्ट 2000 स्टूडेंट्स प्लेइंग द क्विज। 50 सवाल करेंगे, 50 सवाल लगाएंगे, OMR साथ में लेके बैठना, हर सवाल के लिए टाइम दूंगी फटाफट से। कल कोड आज रात में टेलीग्राम पे आ जाएगा। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसे नहीं देने किसी भी चीज के लिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप बस डाउनलोड करनी है। ठीक है, लीडर बोर्ड आएगा, लीडर बोर्ड पे अगर आप विजेता बनेंगे यू कैन गेट कॉइन्स ऑल्सो ऑन अनअकैडमी एंड दिस विल हेल्प यू इन फ्यूचर थिंग्स ऑन अनअकैडमी ऐप। ठीक है, OMR सब रखेंगे, OMR फिलिंग की प्रैक्टिस करनी है। कल 10 बजे होगा, फिर उसके बाद फिर थर्सडे से आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 9 o'clock इन द मॉर्निंग। थर्सडे को 9 o'clock मॉर्निंग में शुरू हो जाएगा सेशन। ठीक है बच्चा पार्टी, भाई लग जाओ, 2 महीने बस आग लगानी है। पूरे YouTube पे पता होना चाहिए सबको कि दम। देखो बेटा, द चैनल इज नॉट मोनेटाइज सो फार, वी डोंट हैव एडवर्टीजमेंट, वी डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ। वट एवर द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आर इंक्रीजिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लव दैट यू आर गिविंग टू अस। मैं तो खुलेआम बोलती हूँ, इट्स ऑल मेरे बच्चों का प्यार विच इज कमिंग टू अस।
no advertisement, nothing. We are starting from point zero, but I am so proud. Yes, अगर हम पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है, just be with us. आज आपके फिजिक्स के सेशन होने वाले हैं एंड केमिस्ट्री के लिए आज रात में 9 बजे जी स्क्वायर खुद ही वीटी सर को पकड़ के ला रही है. यस, मैं खुद ही मैंने आज कॉल कर दिया वीटी सर को, सर ये मत करो विशाल सर, आप बच्चे जवाब मांग रहे हैं, आज आपको देना पड़ेगा. सो आज रात के 9 बजे जूम कॉल पे मिलते हैं विशाल सर से और जनता जवाब चाहती है विशाल सर से कि कब आएंगे आप, क्या कहते हो, राइट बच्चों? यस, मैंने सोचा पीठ पीछे क्या बात करनी, लेट्स डू इट ऑन अ सेशन. हमने सेशन ही बना दिया, जो पूछना है पूछो, मेरी तरफ से छूट है तुम्हें, बस ये मत पूछना सर शादी कब हो रही है, ये कब हो रहा है, वो कब हो रहा है, ये फिलाना ढिकाना, ये सब मत पूछना. पढ़ाई से रिलेटेड जो पूछना पूछो, आज रात में 9 बजे खुली छूट है तुम्हें, पूछो जो सवाल पूछना है, ठीक है बच्चों? तो इसलिए मैं कह रही हूँ सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक शेयर करो, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहो. पूछो, बच्चे वॉन्ट्स टू नो, ठीक है. यस, चलो बाय बाय.